zombie apocalypse. मार्ग में एक सुरम्य सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र कहा, हे राम, तारका का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य पराक्रम एवं चातुर्य से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज तुम्हें कुछ ऐसे दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूँ जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नागादिकों को भी परास्त कर सकोगे। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र है। इन्हें तुम धारण करो। इनके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इनके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्मशिर, अशिक और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि तुम्हें प्रचंड मोद की वशीकर नाम की गदाएं प्रदान करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सूखी और गीली दोनों ही प्रकार की अशनी व पिनाक के साथ ही साथ नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, हयशिरास्त्र एवं क्रौंच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पाश भी देता हूँ जिनमें धर्म पाश, काल पाश एवं वरुण पाश मुख्य है। इनके पाशों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीली शत्रु को भी बांध कर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शस्त्रास्त्रों से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल और किंकली नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र है खड, मोहन, प्रस्वापन, प्रश्मन, सौम्य, वर्षण, संतापन, विलापन, मादनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सोमनास्त्र। इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। ये मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का माया में अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र है जिन्हें दिखाने मात्र से शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो, ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र है। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशिर एवं दारुण नाम के अस्त्र है। शिशिर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़ कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान कर दिया। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु को चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है, किंतु मुनिवर, इसी प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग भी मुझ पर भी कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिससे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जावे। राम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काट कर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्यकीर्ति, प्रतिहार, परारमुख, अवानमुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को भी तू ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को वे विधियां भी बताई जिनके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या यह मेरी कल्पना मात्र है? वहाँ सुंदर सुंदर मधुरभाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है।